हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमेश चौधरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें व्यू कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे जितने भी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं वो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो थैंक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पर्मेटोरिया और नॉक्टर्नल सेमिनल इमिशन इनवॉलेंटरी। तो आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस वजह से होता है, क्या इसके पीछे कारण है, वजह है, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है, और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो क्या क्या और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और कैसे होम्योपैथी की हेल्प से आप जो है इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसका अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट क्योर होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कौन कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव मेडिसिन के जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें हर एक वीडियो का, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको मेडिसिन लेना कहाँ से है। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ स्पर्मेटोरिया, कि स्पर्मेटोरिया क्या है। देखिए, स्पर्मेटोरिया एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमिना है जब तक कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है और इसका जो है क्वांटिटी नॉर्मल रहता है। इन केसेस ऑफ मेल नॉर्मली, जिसको कि हम नाइटफॉल भी कहते हैं और इनवॉलेंट्रली सीमन जो है इमिशन भी कहते हैं, सो ये है आपका स्पर्मेटोरिया, यानी उसका इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज हो जाना। तो फिर बात आती है कि इसका कॉज ऑफ कंसर्न क्या है अगर ये नॉर्मल है। तो देखिए, एबनॉर्मल ये माना जाएगा कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है, यानी बहुत ही जल्दी जल्दी अगर होता है और इसका क्वांटिटी बहुत एबनॉर्मल ज़्यादा होता है, क्वांटिटी बहुत इंक्रीज होता है, तो उन दो केसेस में इसको एबनॉर्मल माना जाता है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ स्पर्मेटोरिया, यानी स्पर्मेटोरिया के पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या वजह है, क्या कारण है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, हमने डिस्कस करा है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है एक मेल हेल्थ पर्सन में, और इसका अगर हम बात करें तो देखिए, अगर कॉपुलेशन एब्सेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो एक्यूमुलेशन होता रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इमिशन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इसका कॉजेज में मेन रिस्क फैक्टर्स की और मेन कॉजेज की। कोई ऐसा फिक्स्ड लॉ अभी तक है नहीं जो ये बता पाए कि इसकी वजह से पर्टिकुलरली होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, यानी कुछ कुछ नॉन कॉजेज हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है फेलियर ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम के लिए जो है नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हर एक नर्व का कंट्रोल होता है किसी सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, तो इसमें भी नर्वस सिस्टम का काफ़ी रोल रहता है। तो अगर उसका फेलियर ऑफ नर्वस सिस्टम है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और सेकंड इसमें आता है फेलियर ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। अगर आपका जेनिटल ग्लैंड्स है इन केस ऑफ मेल, उनका भी अगर फेलियर है, प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो उस केस में भी ये कॉज हो जाता है। एक फ्रिक्वेंट मास्टर्बेशन आता है, नैरोइंग ऑफ जो है आपका यूरिनरी डक्ट एग्जिट जहाँ से होता है उसका अगर नैरोइंग, यानी पाथ अगर नैरो हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न कारण बन जाता है। एक आता है आपका ओवर लीनियंसी टुवर्ड्स लेसिवियस थॉट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा लेसिवियस थॉट्स होते हैं तो भी ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है। रेक्टम डिसऑर्डर, यानी अगर आपको रेक्टम डिसऑर्डर है, जैसे फिशुला देखा जाता है, फीसर्स देखे जाते हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आपको देखी जाती है। फिर है फुलनेस ऑफ एब्डोमिनल सेंसेशन। अगर आपका फुल एब्डोमिन सेंसेशन है तो वो भी ये प्रॉब्लम कोज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने बात करी कॉजेज ऑफ इनवॉलेंटरी सीमन इमिशन की, इनवॉलेंटरी सीमन डिस्चार्ज की और स्पर्मेटोरिया की। ज़रूरी नहीं है ये हर कॉज हर एक पर्सन में मिले, हमें अलग अलग पेशेंट में, अलग अलग पर्सन में अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, या आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पर्मेटोरिया क्या हैं। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, आपका जो सीमन है वो एक नेचुरल वाइटल फ्लूड है, तो उसका अगर बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स यानी बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका सबसे मेन आता है हेडेक, आपको सर दर्द में जो है प्रॉब्लम देखी जा सकती है, बैक किक कमर का दर्द इसमें देखा जाता है, लेथार्जी, ऑब्वियसली आपका बॉडी फ्लूड डिस्चार्ज हुआ है तो लेथार्जी यानी वीकनेस कमजोरी इसमें देखी जाती है, थकान जिसको कहते हैं, और एक्सेसिव एक्सट्रीम स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना भी किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है।
लिम्स ट्रिमर इसमें देखा जाता है, और आपकी हार्ट बीट भी रैपिड और इरेगुलर इसमें हो जाती है, और सैडनेस ग्लूमीनेस पेशेंट में, स्लीप डिस्टर्ब भी कई बार पेशेंट में ये देखी जाती है। तो ये हमने डिस्कस करिए इसके बेड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इसमें मेटोरिया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ इसमें मेटोरिया, यानी कौन कौन सी मेडिसिन हैं, कितनी इफेक्टिव हैं, कैसे आप ले सकते हैं होम्योपैथी की हेल्प से। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ जो है पेटेंट जनरल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी जो मैंने यहाँ पे रखी भी हुई है। देखिए डॉक्टर रेकवेक एक जर्मन होम्योपैथिक ब्रांड है, इसका R41 करके आता है, बहुत कॉमन है और इफेक्टिव भी है। तो ये मेडिसिन जो है आप यूज कर सकते हैं, एक चम्मच पानी में आप 5-10 ड्रॉप्स ले सकते हैं दिन में 2 या 3 बारी, इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ऐसा है जब तक आपको लगेगी हाँ आपको इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने ले सकते हैं मेडिसिन को, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके बाद है डॉक्टर रेकवेक का ही एक आता है, डॉक्टर रेकवेक विटामिन सी 15 फोर्टे। तो देखिए ये भी ऑलमोस्ट मैं सभी जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसमें भी मैं ये डिस्कस करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर रेकवेक का विटामिन सी 15 फोर्टे, ये टॉनिक आता है, और विटामिन सी जाना जाता है मेल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो आप जनरल भी जो है सिट्रस फ्रूट्स भी ले सकते हैं, विटामिन सी भी ले सकते हैं, वो आपकी जो है इम्यूनिटी को साथ ही साथ वाइटैलिटी को इंप्रूव करता है। तो इसको भी आपको ऐसे ही लेना होता है, एक चम्मच पानी में 5 या 10 ड्रॉप्स आपको लेनी होती है, दिन में एक बार भी ले सकते हैं अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2-3 बार भी लेना पड़ सकता है अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट टू पेशेंट इसकी डोज खुराक बदल सकती है, वेरी कर सकती है। तो ये मेडिसिन भी जो है आप इसमें ले सकते हैं। और भी बहुत सी मेडिसिन है, एक डेमियाग्रा मदर टिंचर आता है, डेमियाग्रा पेटेंट मेडिसिन भी आता है, सो वो भी बहुत ही इफेक्टिव है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा दी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, जो होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हर एक पेशेंट की, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल बेसिस पे पूरा सिम्टम टोटैलिटी करके उस केस एनालिसिस के बाद जो मेडिसिन निकल के आते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिविजुअल मेडिसिन कहते हैं। तो इसमें बहुत सी मेडिसिन हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, नोन है, बहुत इफेक्टिव है, वो है एसिड फॉस मदर टिंचर, फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी आता है ये मेडिसिन, तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉर्नियम मैक है, और भी बहुत सी मेडिसिन है, सेलेनियम मैट है, बुफोराना है, सीपिया है, और लैप्रिस, बहुत सी मेडिसिन हैं यहाँ पे, जेलसीमियम लाइको, और जो है स्टैनम मैट भी है, नूफर है, सेलिक्स नाइग्रा है, स्टेफी है, नेक्सवामिका है, बहुत सी मेडिसिन है होम्योपैथी में। देखिए मेल हेल्थ के लिए जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती है इसमें वेरी कर सकता है पेशेंट टू पेशेंट, किसका थर्मल कैसा है, किसकी डिज़ायर्स कैसी हैं, जनरल स्पेसिफिक पर्टिकुलर सभी सिम्टम टोटैलिटी के ऊपर ये मेडिसिन जो है वेरी कर सकती हैं। और सो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी भी वीडियो में कोई भी पार्ट मिसिंग है तो आप उसी वीडियो के कमेंट में ऐड कर सकते हैं कि इस वीडियो में ये पार्ट मिसिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।